सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र अपने कर्तव्य के दौरान जहां पर भी आपकी ड्यूटी लगती है, जहां पर भी आपका पॉइंट है, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड अपना पॉइंट नहीं छोड़ेगा, दाहिने बाएं इधर उधर नहीं जाएगा, अपने पॉइंट पर अपनी ड्यूटी पर हमेशा सतर्क रहेगा, अलर्ट रहेगा, चारों तरफ ध्यान देगा, हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नज़र रखेगा। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मेन गेट के अंदर ड्यूटी रहती है तो मेन गेट अपना मेन गेट छोड़कर दाहिने बाएं इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मेन गेट हमेशा बंद रहेगा, क्लोज रहेगा, वक्त आने पर ज़रूरत पड़ने पर खोला जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र अपनी ड्यूटी के दौरान नम्रता और प्रेम से बात करेगा, हर आने जाने वाले व्यक्ति को इज्जत से बात करेगा, उनके साथ अच्छा बर्ताव करेगा। अपनी ड्यूटी के दौरान कोई भी सिक्योरिटी गार्ड बिना सर्चिंग, बिना फिरसिंग, बिना चेकिंग का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर और लेबर के आदमी को नहीं छोड़ना है। उनका बैग, उनका थैला, उनका झोला, उनका टिफ़िन आपको अच्छी तरह चेक करना है। चेकिंग करते वक्त, सर्चिंग और फिरसिंग करते वक्त किसी से बात नहीं करना है, ना ही तो किसी से डरना है। आपको कड़ी से कड़ी चेकिंग करना है। आपको पता होना चाहिए रेलिस वन के अंदर सख्त से सख्त मना है। माचिस, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, लाइटर, सिगरेट, चाकू, छुरी, पिस्टल, रिवाल्वर, शराब या नशीली वस्तु रेलिस वन के अंदर ले जाना सख्त से सख्त मना है। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र इस बात का ध्यान रखे। प्रेट सावधान, प्रेट विश्राम। सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र अपने कर्तव्य के दौरान जब तक आपका रिलीवर नहीं आता है, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र अपनी ड्यूटी पोस्ट छोड़कर नहीं आना है। आपको हैंडिंग टेकिंग चार्ज देके आना है, चार्ज लेना और चार्ज देना। आपको हैंडिंग टेकिंग प्रॉपर तरीके से आपको करते आना चाहिए। जो भी वाहन, जो भी गाड़ी मटेरियल लेके आती है तो सबसे पहले उसका पेपर चेक करो, उसके बाद उसका मटेरियल, उसका सामान, जो भी सील है उसको, सील को अच्छी तरह चेक करना है। सील टूटा ना होना चाहिए और पेपर सही सलामत होना चाहिए।